हाय गाइस, क्रिएटिव राहुल गिरी चैनल में आप सबका स्वागत है, आप सबका वेलकम है। आज हम लोग सीखेंगे पीपल के पत्ते का गणेशा बनाने का। तो इसे सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। देखिए, पीपल के पत्ते का गणेशा बनाने के लिए हमें पीपल के पत्ते के आकार का, उसी शेप्स का 8 शेप्स बनाने होंगे। उसके लिए 3 शेप्स ऊपर बनाने होंगे और 3 शेप्स नीचे और 2 शेप्स बगल में। जो 2 शेप्स बगल में बनाएंगे वो गणेशा का हाथ हो गया, जो कि बन गया, और नीचे का जो 2 शेप्स है वो पैर हो गए। बीच का बड़ा वाला जो शेप्स है वो उनका पेट हो गया, गणेश जी का लंबोदर जिनको बोलते हैं। अब गणेश जी का आईब्रो बनाएंगे। गणेश जी का आईब्रो बनाने के लिए ब्लैक कलर लेंगे, ब्लैक कलर से आईब्रो बन चुका है। अब देखिए, गणेशा का आइज बनाएंगे, 2 आइज बनाएंगे। अब आइज के भीतर सर्किल करेंगे, सर्किल करेंगे अच्छी तरह से, और अब ब्लैक कलर से ही गणेशा का पलक बनाएंगे, यानी पंखुड़ी, पलक आंखों के ऊपर की जो होती है, इसको करेंगे अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से करने के बाद अब रेड कलर का यूज करेंगे। रेड कलर उठाएंगे और गणेश जी के मस्तक पर 3 लाइंस, यानी 3 लाइनें बनाएंगे। अब इसको उधर से 2 बार घुमाएंगे, 1 बार, ये 2 बार, इधर से भी 1 बार और 2 बार घुमाएंगे। अब लाइन के नीचे एक सर्किल बना देंगे। अब बीच में त्रिशूल बनाएंगे, क्योंकि गणेश जी का मस्तक पर त्रिशूल ही बना रहता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग त्रिशूल बनाएंगे। त्रिशूल हो गया। अब उनका सूर बनाने के लिए कैपिटल भी की आकृति बनाते हुए जाएंगे, जिससे सूर का आकार बन जाए अच्छी तरह से। अब एक दांत बनाएंगे गणेश जी का, क्योंकि उनको एक दंत कहा गया है, इसलिए इनका एक दांत बना दिए। A few moments later. इसको लाइट ग्रीन कलर से पूरा में कलर कर देंगे। तो अब हमारा गणेशा तैयार हो गया है। इसमें हमें लगे हैं कलर, डीप ग्रीन कलर से इसको ड्रॉ किए हैं और पूरा में कलर किए हैं लाइट ग्रीन से और रेड से। उनका टीका मस्तक पे बना है और सूर बना है और आंखें बने हैं ब्लैक कलर से। तो ये कलर्स लगे हैं,